हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग का अंत किस प्रकार का होगा, क्या क्या अभी होना शेष है कलयुग में, भविष्य मलिका में करीब 500 साल पहले श्री अच्युतानंद दास जी ने यह प्रेडिक्शन कर दिया था। उन्होंने बता दिया था पहले ही कि किस प्रकार से कलयुग का अंत होगा और कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। आज मैं आपको डिटेल्स में यही सब बताने वाली हूँ अपने वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। ओडिशा के महंत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका में ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि कलयुग का अंत बहुत ही भयंकर रूप से होने वाला है। कलयुग के अंत की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अंत होने में अभी भी समय शेष है, क्योंकि कल्कि भगवान कलयुग के अंत में हमारे समक्ष आएंगे। वो अभी तक तो आए नहीं हैं, उनका जन्म तो हो चुका है, जैसा कि प्रेडिक्शन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है भविष्य मलिका में। तो कलयुग के अंत के बारे में ये कहा गया है कि अभी और भयंकर परिस्थितियाँ और भयंकर बीमारियाँ, उनसे हमको रूबरू होना है। यानी हमारे समक्ष और भी संसार में कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें कि हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। अकाल, भूखमरी, भूकंप, जल प्रलय, आकस्मिक दुर्घटनाएं कुछ इस तरह से हमारे सामने आएंगी कि करोड़ों जनसंख्या भारतवर्ष की और दुनिया की उसमें समा जाएगी, मृत्यु के आगोश में चले जाएंगे काफ़ी लोग। इस तरह से कलयुग के अंत में बहुत ही दुनिया की कंडीशन बुरी होने वाली है। इतनी आसानी से कलयुग का अंत नहीं होगा, शुरुआत हो चुकी है लेकिन अंत होने में अभी भी समय शेष है। लोगों को खाने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा। असुरों का बोलबाला होगा, असुर यानी राक्षस नहीं, लोग इतने भयंकर हो जाएंगे कि एक दूसरे को लूट कर अपनी तिजोरी भरेंगे और अपना घर भरेंगे, अपना बैंक अकाउंट भरेंगे। लोग अन्याय के रास्ते पर चलेंगे, लोग गलत काम करेंगे और वही लोग अमीर भी बन जाएंगे। उन्हीं का बोलबाला होगा, उनकी ही उन्नति होगी, उनका ही राज होगा। लेकिन जो सही लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो असल में गरीब बनकर रह जाएंगे, उनके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। और जो गंदे लोग हैं, जो अन्यायी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, उनका बोलबाला होगा। कुछ लोग ही दुनिया में ऐसे बचेंगे जो शाकाहारी होंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे। अभी तो कोरोना की एक बीमारी हम लोगों ने देखी है जिसमें न जाने कितने लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसी ऐसी और भी भयंकर बीमारियां अभी आना शेष है, जिसके कि हम लोग जिसको कि हम लोग इस दुनिया में कलयुग में देखेंगे। और क्या होगा कलयुग में? कहा जाता है कि हर युग के अंत में एक नगरी या एक शहर ऐसा होता है जो जल में समा जाता है। त्रेता युग में लंका नगरी समाई थी, द्वापर युग में द्वारका नगरी, और अब कहते हैं कलयुग में श्री जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा और वहाँ से भगवान को निकालकर कहीं और उनकी मूर्ति को प्रस्थापित किया जाएगा। तो इतना भयंकर कलयुग का अंत होने वाला है कि लोग त्राही मम पुकारेंगे और भगवान को तो बिल्कुल ही लोग मानेंगे नहीं, भगवान के अस्तित्व को मानेंगे ही नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़ भी होती है। लेकिन कुछ लोग जो बचेंगे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, पूजा पाठ करने वाले और भगवान को मानने वाले, उन्हें भी बुरी तरह से मारा जाएगा, उनकी बात को सुना नहीं जाएगा और इस तरह से कलयुग का अंत होगा। तो बीमारियाँ, जल प्रलय, भूकंप, भूखमरी, अकाल, बाढ़ और जलमग्न दुनिया, कुछ इस तरह से कलयुग का अंत होने वाला है। ये 500 साल पहले भविष्य मलिका में लिख दिया गया था। कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।